नमस्कार, मैं अनिल कुमार गुप्ता राजकीय महाविद्यालय के भौतिक विभाग से। आज के व्याख्यान में हम इलेक्ट्रॉन की चिरसंवत त्रिज्या, क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। आपको ध्यान है, हम पिछली क्लासेस में कुछ आर्टिकल पढ़े हुए हैं। छोटी क्लासेस में हमने मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग पढ़ा हुआ है, उसका अध्ययन किया। मिलिकन तेल बिंदु के प्रयोग से हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश है उस मान की जानकारी की। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान उस क्लास में हमने ये भी पढ़ा कि यह मान क्वांटाइज होता है, क्वांटीकृत होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मान निकाला गया था वो था आवेश का मान 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। क्वांटाइज होता है, हालांकि बाद में साइंटिस्ट गैलेमैन ने अपना क्वार्क मॉडल दिया जिसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को भंग किया गया और आवेश के मान 1/3, 2/3 इस प्रकार के 6 क्वार्कों की रचना की गई। इनके बारे में हम जब आप थर्ड ईयर में आएंगे तो उसमें अध्ययन करेंगे। आपने पिछली क्लास में थॉमसन का मॉडल भी पढ़ा और इस मॉडल के आधार पर हमने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की भी गणना की थी। इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं। अब एक और थोड़ा सा कठिन कार्य का एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेने का प्रयास करते हैं और वो है क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कल के जो व्याख्यान में बात हुई थी वो थी कि आर त्रिज्या के गोले को यदि क्यू आवेश से आवेशित करना है तो गोले की स्थिर वैद्युत ऊर्जा में जो मान आता है वह है 1/2 KQ² / R। के कांस्टेंट है जिसका मान 1/4 ε₀ होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 9×10⁹ होगी। कैपिटल क्यू उस आवेश के मान को व्यक्त करता है। साथ ही कल हमने ये भी सिद्ध किया, यदि कोई गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, यदि हम उसे सम आवेशित करना चाहते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उस गोले को समावेशित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मान होगी वह मान 3/5 KQ² / R होगी। ये दोनों रिजल्ट कल हमने निकाले हैं। अब यदि हम कुछ कल्पना करें, मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन को हम सम आवेशित और आर त्रिज्या का एक गोले के रूप में कल्पना कर लें, जैसा कल डेरिवेशन निकाला था उसका कुछ प्रयोग करें और इस कल्पना के आधार पर हम चिरसंवत त्रिज्या के मान को कुछ निकाल सकें। तो पहली कल्पना, त्रिज्या आर का एक सम आवेशित गोला है। दूसरी बात, हमने कहा कि जो इसका द्रव्यमान है यह द्रव्यमान संचित विद्युत ऊर्जा के कारण माने, यानी आइंस्टीन का जो रिलेशन है हम उसको भी यहाँ पर ध्यान रखें। अगर हम ऐसा करते हैं, इन दोनों कल्पनाओं को करते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन के आकार, इलेक्ट्रॉन की रेडियस के बारे में कुछ कार्य कर सकेंगे। अतः इन कल्पनाओं के आधार पर हम अपने आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए त्रिज्या आर है, आवेश माइनस ई है इलेक्ट्रॉन का है, तब गोले की स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि गोले को हमने समावेशित माना है इलेक्ट्रॉन के रूप में, इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार की कल्पना की है,
और हम ये जानते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज इक्वल टू 3/5 के की स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर क्यू के स्थान पर ई है, इसलिए इस एनर्जी का मान हो गया 3/5 के ई स्क्वायर बाई आर। पुनः आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का प्रयोग करें और इस के आधार पर एनर्जी मास इक्वलेंस का जो संबंध है, जो पॉपुलर रिलेशन है, उसको यदि हम प्रयोग करें तो इसके आधार पर हम लिख सकेंगे एनर्जी का मान U इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, C वेलोसिटी ऑफ लाइट प्रकाश का वेग हो गया, U आवश्यक ऊर्जा का मान हो गई। ये दोनों समीकरण ऊर्जा के मान को व्यक्त कर रहे हैं, अतः दोनों समीकरण को तुल्य कर दें तो दोनों समीकरण को तुल्य करने पर यह मान बनेगा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5 के ई स्क्वायर बाई आर। कैपिटल आर को इधर से बाईं तरफ ले लीजिएगा तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 KE² / 5 एम सी स्क्वायर। अब ये जितने भी राइट हैंड साइड में पैरामीटर्स हैं इन सब मानों को हमको रखना चाहिए। के 1/4 πε₀ जिसका मान है 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ई इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की मान की आपको जानकारी अभी दी गई है, यह मान है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसकी जानकारी हमको है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वह है 9.1×10⁻³¹ kg। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट प्रकाश का वेग का मान है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। इन चारों पांचों पैरामीटर के मान को, के का मान, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रकाश का वेग, इन चारों मानों को इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या के लिए जो समीकरण निकाला है कैपिटल आर उसमें सब्स्टिट्यूट किया गया, उसमें ये सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। और जब हम इसको सब्स्टिट्यूट को हल कर रहे हैं तो इसका मान निकल के आता है 1.69×10⁻¹⁵ मीटर। हम इस जगह एक इकाई को बदल रहे हैं और हम जानते हैं कि 10⁻¹⁵ मीटर इज इक्वल टू फर्मी। सो हम कह सकते हैं कि यह मान कितना हो गया, 1.69 फर्मी। फर्मी यूनिट का बहुत प्रयोग जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें प्रयोग करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर में फर्मी यूनिट बहुत चलन में है। तो इस प्रकार से जब हम इस इलेक्ट्रॉन को यदि समाविष्ट गोले के रूप में कल्पना कर लें तो समाविष्ट गोले के रूप में कल्पना करने पर हम इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का एक मान निर्धारित कर सकते हैं और यह मान निकल के आता है 1.69 फर्मी। धन्यवाद।